नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, लेकर आ चुका हूं आज सभी के सामने इंडियन नेवी में एक और वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती आपकी ऑफलाइन मोड पे होने वाली है, जिसके बारे में आपको बताऊं ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितनी एज लिमिट होगी, कब से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, वीडियो को साथ एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे, आप सभी के सामने देखिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट फॉर सिविलियन पर्सनल इंडियन नेवी 2021। ठीक है, अब बात करें एट साउथर्न नवल कमांड कोच्चि एंड अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर, मीन्स इन सभी के लिए आपका फॉर्म रहने वाला है। मीन्स आपको मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ वाले कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसके वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है। जो कि मैं बोलना चाहूँगा, आपके सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी की बात करूँ, पे स्केल बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है इसमें। इसकी बात करूँ, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी बात करूँ तो देखिए साउदर्न नवल कमांड कोच्चि में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, अनरिजर्व में 4 वैकेंसी रहेंगी, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी और ओबीसी के लिए भी 1 वैकेंसी। हमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 10 वैकेंसी रहने वाली है आपकी, कहाँ पे, साउदर्न नवल कमांड कोच्चि में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, आपकी अगली जो आपकी किसकी पोस्ट है, आपकी कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, जो कि आपको मैं बोलना चाहूँगा पे स्केल देखिए बहुत ही अच्छा खासा, जिसको आप नहीं सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा खासा पे स्केल है। बाकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपका साउदर्न नवल कमांड कोच्चि में और आपका अंडमान निकोबार कमांड दोनों में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी डिवाइड है, जो कि आपको अगर कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ से बिलोंग करता है और देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी मेनली अगर मेन में टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, देखिए रिजर्वेशन सभी कैटेगरी के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी होंगे उन सभी के लिए। फिलहाल हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करें तो आपकी एज जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच आपकी DOV होनी चाहिए, मीन्स एज होनी चाहिए आपकी 18 साल से लेकर 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से आपने अपना 10th क्लास पास किया होना चाहिए जाके आपके, और सेकंड की बात करें तो साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी व्हीकल का होना चाहिए। आगे बात करें, देखिए वन ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका साथ में होना चाहिए, यहाँ पे मांगा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगली वैकेंसी है, जो कि अगले पोस्ट के बारे में बात करें, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट की, जो कि एज लिमिट उसकी 18 से लेकर 25 साल है, 18 से 25 साल फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास इसमें मांगा गया, साथ ही आपके पास आप हिंदी या इंग्लिश आपके पास कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज आपके साथ होनी चाहिए एबिलिटी के साथ। ठीक है, ये आपका मांगा गया, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। ठीक है, आगे बात करूँ देखिएगा इसके बारे में मोटर व्हीकल की, जो कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आगे बात कर लेते हैं, इसमें रिजर्व जो कैटेगरी हैं जैसे कि एससी ओबीसी और आपका जो भी PWD या सर्विस मैन है, उन सभी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उन सभी के लिए। बाकी अब मैं बोलना चाहूँ इसमें क्या आपका क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, आपको रिटर्न के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने वाला और कुछ नहीं होगा, बाकी सब आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार रहने वाला है, इसमें आपको मैं बोलना चाहूंगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या पूछे जाने वाला, जो कि आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन, आपके जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि फील्ड, उसी के अकॉर्डिंग आपको 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोटर ड्राइवर के लिए अगर आप पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके 50 क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि आप यहाँ पे देख लेंगे, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है उसमें आपके 50 क्वेश्चन इस फील्ड से पूछे जाएंगे, अगर आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसके पोस्ट इस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मीन्स अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आपने इसमें दिए गए हैं, जो कि आपके फील्ड के अकॉर्डिंग रहने वाले क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। बाकी सिलेबस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा भी किस प्रकार से डाउनलोड करना। ठीक है, बाकी मेन पॉइंट मैं आपको कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपका रह गया होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ यहाँ पे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी इसके नोटिफिकेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ आपको, एप्लीकेशन फॉर्म किस फॉर्मेट का है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस फॉर्मेट में रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको अपनी सिंपल सी डिटेल फिल करनी है। अगर कोई कैंडिडेट कहेगा जो कि अगर कोई कैंडिडेट बोलेगा कि मुझे इसका फॉर्म फिल करना है तो कैसे फिल करना है इसके बारे में बता दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे तो रिप्लाई जरूर
दिया जाएगा और आपको वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से ये डाउनलोड करना है, इसके बारे में आपको बोलना चाहूँ तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, जो कि आपके 1000 सब्सक्राइबर वहाँ पे मेरे कंप्लीट होने जाने वाले हैं। कितने 1000 सब्सक्राइबर के आप में करीब ही बहुत ही एक सब्सक्राइबर बाकी रह गया है, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल का नाम प्रिंस एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेवी ग्रुप सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको अपना डाउनलोड करना, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ पूरी तरह से, इसी टाइप से आपको देख लेना है और सब कुछ कंप्लीट डिटेल आपको मैं दे चुका हूं। अगर सच में आपको कंप्लीट डिटेल पूरी तरह से समझ में आ चुकी है तो दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर भी कोई दिक्कत आ रहा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।